डरपोक देश है, इसका हम आपको सबूत देंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि 29-30 अगस्त की रात को चीन की सेना ने पैगोंग लेक के साउथ में थुकांग नाम की एक जगह है, वहाँ पर दो जगहें खाली पड़ी हुई थी जिनका नाम है ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप। ये बहुत ऊंचाई पर है। उस जगह पर चीन ने कब्जे की पूरी कोशिश की। उसके लिए चीन ने लगभग 500 सैनिक भेजे और पीछे से पूरी चीन की सेना तैयार थी। लेकिन भारत ने वहाँ पर इजरायली ड्रोन लगा रखे थे, इसलिए भारत को यह खबर पहले ही मिल गई और भारतीय सेना खाली पड़ा हुआ जो भूभाग था उस भूभाग पर चीन की सेना से पहले ही पहुंच गई और दोनों जगहों को भारतीय सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। भारतीय सेना वहां से जब पीछे नहीं हटी तो चीन की सेना को ही पीछे हटना पड़ गया और चीन की तरफ से बयान आया है कि भारत इन दोनों जगहों को तुरंत खाली करे। अब चीन कह रहा है कि भारत उन दोनों जगहों को खाली करे क्योंकि वो विवादित भूमि है, ये कहना है चीन का। लेकिन भारतीय सेना ने फिलहाल दोनों जगहों पर कब्जा कर लिया है। अब आगे। नमस्कार, मैं पिछले 25 साल से चीन और भारत के बीच के संबंधों को समझता हूँ। चीन पहले इतना डरपोक देश नहीं था, लेकिन 2015 के बाद चीन एक डरपोक देश बन गया है। जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तब से चीन बहुत ज्यादा डरा हुआ है। ध्यान रखें, जब तक चीन गरीब देश था तब तक चीन नहीं डरता था, लेकिन जब से चीन ने पैसा कमाया, धनी देश बना, तब से वो बहुत ज्यादा डरने लग गया है। और भारत में जब मोदी सरकार आई उसके बाद तो चीन बहुत ही ज्यादा भारत से डरने लग गया है। इसके हम कुछ प्रमाण आपको बताते हैं। आपने समाचार सुने होंगे कि पैगोंग झील के साउथ में थाकुंग हाइट्स पर चीन के 500 सैनिक भारत एलएसी पार करके भारत में घुसना चाहते थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनको खदेड़ दिया। इसके तुरंत बाद चीन ने क्या किया कि मानसरोवर में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और इसके तुरंत बाद चीन ने DF-21 मिसाइलें तैनात कर दी कैलाश मानसरोवर में। दोस्तों, चीन के निशाने पर जो उसने मानसरोवर में मिसाइलें तैनात की हैं उसके निशाने पर भारत के बहुत सारे शहर हैं। जिन शहरों पे चीन परमाणु हमला करने को तैयार है, तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज सोचें, परमाणु हमला कौन देश करता है? सबसे पहली बात, परमाणु हमला जो होता है वो एक आत्मघाती कदम होता है किसी भी देश के लिए। यदि वो परमाणु हमला करता है तो जवाबी हमला जरूर होगा। यानी चीन यदि भारत पे परमाणु हमला करता है तो भारत की तरफ से भी निश्चित है कि परमाणु हमला होगा। परमाणु हमला एक आत्मघाती कदम होता है किसी भी देश के लिए। चीन परमाणु हमला करना चाहता है भारत पे, यानी वो भारत से परंपरागत जो वार होती है, युद्ध होता है, वो नहीं लड़ सकता है। जैसे पाकिस्तान भारत से परंपरागत वार नहीं लड़ सकता है, इसलिए पाकिस्तान भारत को बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देता है। जैसे रूस अमेरिका से परंपरागत वार नहीं लड़ सकता है। रूस और अमेरिका के बीच में यदि मिसाइल, टैंक, हवाई जहाज, फाइटर प्लेनों से युद्ध होता है तो अमेरिका जीतेगा, रूस हार जाएगा। हालांकि रूस भारत का मित्र देश है, लेकिन रूस अमेरिका से हार जाएगा। इसलिए रूस बार बार अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी देता है। परमाणु युद्ध की धमकी कौन देश देता है? जो युद्ध नहीं कर सकता है या जिसे अपने परंपरागत हथियारों पर संदेह है। तो चीन भी उसी प्रकार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, कभी अमेरिका को, कभी भारत को, और भारत पर परमाणु मिसाइलें उसने तैनात कर दी है। आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, पाकिस्तान परमाणु युद्ध की धमकी देता है भारत को क्योंकि वो भारत से परंपरागत वार नहीं लड़ सकता है। रूस अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी देता है क्योंकि रूस जानता है कि परंपरागत वार में वह अमेरिका को नहीं हरा पाएगा। ऐसे ही चीन अमेरिका को
परमाणु युद्ध की धमकी देता है। क्यों देता है? क्योंकि चीन जानता है कि वह परंपरागत वार में अमेरिका को नहीं हरा पाएगा। इसलिए ये देश किस नीति पर चल रहे हैं, या तो हम खुद मर जाएंगे या दूसरे को मार देंगे। यानी परमाणु हमला एक आत्मघाती कदम होता है किसी भी देश के लिए। चीन के डरपोक देश होने का सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि वो भारत पर या मानसरोवर में उसने परमाणु मिसाइलें तैनात की है। हमने आपको क्या बताया कि परमाणु युद्ध की धमकी वही देश देता है जो परंपरागत वार नहीं लड़ पाता है, वही देश परमाणु युद्ध की धमकी देता है। अब चीन को पता है कि भारतीय सीमा पर भारत की जो सेना है वो बहुत भारी संख्या में आ सकती है और भारत बहुत जल्दी से जल्दी LAC पे अपनी 7 से 10 लाख सेना ला सकता है। इतनी सेना चीन नहीं ला सकता है LAC पर। आपको हम एक चीज बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले चीन ने साउथ चाइना सी में 2 मिसाइलें छोड़ी थी। आपने समाचारों में सुना होगा कि चीन ने साउथ चाइना सी में 2 मिसाइलें छोड़ी। दरअसल दोस्तों वो 4 मिसाइलें थी, जिसमें से 2 मिसाइलें रास्ता भटक गई। यानी उनकी रेंज यदि 1000 किलोमीटर थी तो वो 20-50 किलोमीटर एरिया में ही गिर गई और तीसरी मिसाइल अपना रास्ता ही भटक गई। केवल 1 मिसाइल सही निशाने पर गई है। यानी चीन ने 4 मिसाइलें छोड़ी थी जिसमें से 3 मिसाइलें अपना रास्ता भटक गई और 1 मिसाइल सफल हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की मिसाइलें कैसी हैं। तो चीन भारत के शहरों पर परमाणु हमला करने की कोशिश करेगा या भारत को वो प्रेशर में ला रहा है कि देखो यदि तुम पीछे नहीं हटे तो हम परमाणु हमला कर देंगे, जबकि परमाणु हमला एक आत्मघाती कदम होता है किसी भी देश के लिए। तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि परमाणु हमला की धमकी वही देश देता है जो परंपरागत युद्ध नहीं लड़ सकता है। भारत तो कभी नहीं कहता है कि हम परमाणु हमला करेंगे, और भारत ये भी कहता है कि जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ हम कभी परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और नो फर्स्ट यूज, हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम केवल जवाबी कार्रवाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, ये कहता है भारत। लेकिन चीन पहले ही परमाणु हथियार की धमकी दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो परंपरागत युद्ध नहीं लड़ सकता है। दोस्तों इसके कारण भी हैं। भारत की एक्टिव रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्सेज को मिला देंगे तो ये 40 लाख से ज़्यादा होती है, और भारत अपनी पूरी सेना को LAC पर ले जा सकता है क्योंकि ये नज़दीक है भारत के लिए। और चीन को अपनी सेना LAC पर लाने के लिए 10 लाख 20 लाख 30 लाख सेना लाने के लिए 4000 किलोमीटर की दूरी से आना पड़ेगा। यानी संभव नहीं है कि चीन अपनी बड़ी सेना 10 लाख 20 लाख जिनकी संख्या हो उसको LAC पर ला पाए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। तो चीन अच्छे से जानता है कि हम अपनी बड़ी सेना भारत के बॉर्डर पे नहीं ला सकते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं ला सकते हैं, ये चीन अच्छे से जानता है। और ले आता है तो साउथ चाइना सी के अगल बगल के जो देश बैठे हैं वो साउथ चाइना सी को कब्जा कर लेंगे। छोटे छोटे जो देश हैं जिनसे चीन का टेंशन चलता है साउथ चाइना सी को लेकर। हालांकि युद्ध होगा तो उसमें 7 लाख 8 लाख से सेना ज्यादा यूज नहीं होगी, उससे पहले युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन चीन को यह डर सता रहा है कि कहीं पूरा युद्ध न हो जाए भारत के साथ में। यदि पूरा युद्ध भारत के साथ में हो जाता है तो चीन को बहुत बड़ी सेना LAC पर लानी पड़ेगी, नहीं तो चीन के हाथ से तिब्बत चले जाएगा, क्योंकि भारत की सेना बहुत ज्यादा विशाल है, उसको नष्ट करना संभव नहीं है। चीन के फाइटर प्लेनों को भारत के फाइटर प्लेनों से लड़ने के लिए कम से कम 10,000-8,000 फीट की ऊंचाई पे जाना होगा, जबकि भारत को केवल 1500-2000 फीट की ऊंचाई पर ही जाना पड़ेगा। इस कारण भारत वहां पे पूरा लोड
ले जाने में सक्षम है, जबकि चीन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। चीन फाइटर प्लेन की जो क्षमता है उसका केवल 25% ही लोड ले जा सकता है एलएसी पर। चीन के इतिहास को एक बार आप देख लें और पढ़ लें तो आपको लग जाएगा कि चीन आमने सामने की लड़ाई की अपेक्षा पीठ पीछे से वार करने में ज्यादा यकीन रखता है। आमने सामने की लड़ाई चीन बहुत कम लड़ता है, और वैसे भी डरपोक जो लोग होते हैं वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। धन्यवाद।